Now here in this case it says above figure shows two resistors X and Y and they are connected in series. Series में connected है. So they are saying the power dissipated for this combination is P1. अगर सीरीज में होंगे तो पावर डिसिपेशन कितनी है? P1 है. तो सबसे पहले हम टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं. दिस वुड गिव यू R प्लस 2R इन सीरीज, तो 3R बन गया. तो पावर कितना हो जाएगा फर्स्ट केस में? इट वुड बी P1 इक्वल्स टू वी स्क्वायर ओवर RT. और RT यहाँ पे वैल्यू क्या है हमारी? इट इज 3R. पावर 2 निकालते हैं जब हमारा कॉम्बिनेशन किस में होगा? पैरेलल में. तो हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो हम कौन से फॉर्मूले से निकालेंगे? 1/RT ओवर 1/R प्लस 1/2R. सो दिस वुड बी लाइक फॉर्मिंग 2R और 1 हो गया हमारा, नहीं 2 हो जाएगा हमारा यहाँ पे, एंड दिस वुड बी 1. सो दिस वुड बी 3/2R और वैल्यू क्या आ जाएगी रेसिप्रोकल होके? RT वुड बी इक्वल टू 2R/3. तो हमारे पास पावर 2 आती है. पावर 2 क्या आ जाएगा? वी स्क्वायर ओवर RT. सो दिस इज वी स्क्वायर और टोटल रेजिस्टेंस हमारा पैरेलल के केस में कितना आया? 2R/3. 3 ऊपर जाएगा, इट वुड गिव यू 3V² ओवर 2R. अब हमने क्या करना है? वी नीड टू फाइंड द रेशियोज. P1 को P2 से डिवाइड करना है. सो आई हैव V² ओवर 3R एंड फॉर द सेकेंड वन आई हैव 3V² ओवर 2R. R से R गया, V² से V² गया. दिस इज 1, दिस इज 1. 1/3 इज देयर, देन इन डिविजन यू हैव 3/2. तो आपके पास वैल्यू कितनी आ गई? 1/3 इंटू 2/3. दिस इज 2/9. रेशियो क्या आ गई हमारे यहाँ पे? 2/9 वुड बी देयर.